हेलो नमस्ते सस्तीकाल आदाब, मैं हूं एन एंड ओनली आदित्य। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको देखने में आ रहा है, ये है मेरा करंट होम स्टूडियो सेटअप विथ न्यू पीसी। एंड ये पहले पीसी ऑन करते हैं, फिर देखेंगे सारी चीज़ों को। तो यस, पीसी ऑन हो गया। पीसी का डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। एंड काफ़ी ज़्यादा कलरफुल माहौल बना रखा है मैंने अपने स्टूडियो के अंदर। एंड स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने अभी सेट किया हुआ है। और तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो मेरा मेन है, अपना लैपटॉप। अभी फ़िलहाल कंप्यूटर में मैंने अभी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए हैं, सारा काम मेरा अभी लैपटॉप पर ही होता है। भाई कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग एंड म्यूज़िक का जो हैवी वर्क है वो मैं इसके अंदर करूँगा। और ये हेडफोन, जिस कंप्यूटर आपने पुराने वीडियो मेरे में देख लिया है, एसूस का R558UQ जो i5 है। और ये जो है PC जो बनाया है वो i7 है, 9th generation, तो बहुत ज़्यादा हैवी है इस लैपटॉप के मुकाबले। एंड ये हेडफोन मेरे ATH M50X ऑडियो टेक्निका कंपनी के, जो कि मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए काफ़ी सही हैं। और इससे अगर और आपको हाई जाना तो बेलडाइनमिक 770 प्रो आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी बेटर हैं इनसे। और ये कैसियो CTX 870 जो है इंडियन वर्ज़न, इसको मैं यूज़ करता हूँ एज ए मिडी। बाकी कभी कभी साउंड इसके प्रैक्टिस वगैरह के टाइम यूज़ कर लेता हूँ, बाकी मेनली मैं एज ए मिडी इसी को यूज़ करता हूँ। और क्योंकि काफ़ी लेंथ मिल जाती है मुझे प्ले करने के लिए दोनों हाथों से। एंड मेरा नया मिडी कीबोर्ड जो कि मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, एंड MOD ऑक्सीजन 25 की का जो है, 25 की का जो एक मिडी कीबोर्ड है जिसमें ड्रम पैड भी मिल जाते हैं एंड कुछ कंट्रोलर नॉब्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके वीडियो पड़ा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। ये ट्रैवलिंग वगैरह के लिए मैंने मंगाया मिडी कीबोर्ड। कीज़ अगर देखें तो इन दोनों में से इसकी ज़्यादा सॉफ्ट है MODO की, क्योंकि ये एक तो मिडी कीबोर्ड है, प्लस मिडी कीबोर्ड में भी काफ़ी अच्छा इसका जो है रेटिंग वगैरह है। और इसकी जो कीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, वेलोसिटी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है इसमें, जबकि इसमें थोड़ा सा कीज़ का जो वेलोसिटी का है वो इतना अच्छा नहीं है। और तो ये छोटा भी है साइज़ में, इसको बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं इजीली ट्रैवल करते टाइम, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। और उसके बाद देखें साउंड कार्ड जो मेरे पास है अभी, Focusrite 2i2 Scarlett जो है 2nd generation वो है। बाकी बहुत जल्दी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, तो अपग्रेड करके मैं लूँगा यूनिवर्सल ऑडियो का Apollo Twin Mark II, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है अभी, तो मेरी नेक्स्ट अपडेट वही होने वाली है अगर मैं साउंड कार्ड लेता हूँ तो। उसके ऊपर रखा हुआ है एक हेडफोन एम्पलीफायर जो कि 4 चैनल में कन्वर्ट कर देता है सिंगल इनपुट को, तो हेडफोन में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आप ज़्यादा हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिंगल आउटपुट हेडफोन आउटपुट वाले साउंड कार्ड में। एंड ये केबल्स और बाकी सारी चीज़ें, ये केबल्स हेडफोन वगैरह की जा रही हैं अपने अपने ठिकानों पर। और उसके बाद देखते हैं मेरा ये स्टूडियो मॉनिटर जो कि है KRK Rocket 5 3rd generation, 4th generation भी आ चुके हैं, आप 4th generation को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस रूम साइज़ के लिए 10x12 मेरे रूम का साइज है, इस रूम साइज़ के लिए और इसके आसपास वाले रूम साइज़ के लिए ये है जो स्टूडियो मॉनिटर काफ़ी बेस्ट है। और एक बात ध्यान रखने में आपको रखनी है कि अगर आपने अकुस्टिक ट्रीटमेंट नहीं किया हो अपने स्टूडियो के अंदर इस तरीके, जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है, यू कैन चेक ऑन माई चैनल। तो ये स्टूडियो मॉनिटर आपके कुछ भी काम के नहीं है, ये शोर करने के ही काम आएंगे आपके रूम के अंदर, क्योंकि जो इकोज आएंगे वो आप बैठ के सुनोगे तो आप उनको जज नहीं कर सकते, क्योंकि एक आपको आइडल लिसनिंग जो नहीं मिलेगी रूम के अंदर, डिस्टॉर्टेड सिग्नल और रिफ्लेक्शंस ही सुनाई देंगे। एंड इसके जस्ट पीछे मैंने ये लगा रखा है एंड ये कुछ एक आध अवार्ड रखे हुए हैं, सर्टिफिकेट लगा हुआ है वहाँ पर, और ये दूसरा पेयर और स्टैंड, मॉनिटर स्टैंड काफ़ी चीप है जो देखने में थोड़ा, अगर मैं आपको लेना है ये स्टैंड जो है मॉनिटर का अपने स्टूडियो के, स्टूडियो मॉनिटर के लिए, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े महंगे वाले लें, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन जो है होता है और वो बहुत सही नहीं होता है अपने स्टूडियो मॉनिटर के लिए, क्योंकि वो आप वाइब्रेशन भी सुनने में आता है उसका कई बार। बाकी मैंने अभी तो उसको सेट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आई लव फ्लावर्स, नकली हैं हालांकि, बाकी काफ़ी अच्छे लगते हैं स्टूडियो के अंदर।
और ये सेकंड साइड इसकी, बाकी पीछे केबल्स वगैरह काफ़ी सारी उलझी पड़ी हैं तो कोई दिखाने का मतलब है नहीं। और ये मेरा माउस एंड ये दूसरा वाला नए वाले का। अब बारी आती है माइक की, जो साउंड कार्ड में कनेक्टेड है। एक माइक उसकी केबल ऐसे जा रही है एंड ये लग रहा माइक, और जैसे देखने आ रहा है मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है। बाकी ये जुगाड़ काम करता है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, क्योंकि देखो इसमें मैंने किया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें छेद किए, इसके अंदर जो है अंदर वाली साइड में फोम भरी हुई है, उसके पीछे एक और गत्ता है, तो मतलब काफ़ी एब्जॉर्प्शन मिल जाता है। बाकी साइड में रिफ्लेक्शन एब्जॉर्ब करने के लिए ये फोम पैनल लगे हुए हैं एंड आगे फॉग शील्ड लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी माइक है मेरे पास रोड NT1A, जैसा कि मैंने पुराने स्टूडियो टूर में दिखाया हुआ है। तो काफ़ी लोगों की आपकी डिमांड थी कि यार स्टूडियो टूर करंट वीडियो लेके आ, तो ऐसा कुछ है अभी का। बाकी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। ये हेडफोन स्कारलेट सेकंड जनरेशन जो बंडल आता है उसके साथ आया, वो जो अभी कनेक्टेड है इसमें, जो रिकॉर्डिंग के टाइम सिंगर को सुनने। और एक चीज़, खास चीज़ जो अपन इंडिया वाले ही कर सकते हैं, ये ऊपर मिरर लगाया हुआ है मैंने, तो ये मिरर आपको जब सिंगर यहाँ पे खड़े होकर गाता है तो पीछे मेरा हाथ का इशारा उसको दिख जाता है इसमें, एंड देन ही कैन स्टार्ट सिंगिंग। तो ये एक जुगाड़ है काफ़ी, जो अपन इंडियन लोग ही कर सकते हैं। और तो एज CCTV की तरह मैंने इसको लगा दिया। बाकी बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। बाकी ये इससे इफ़ेक्ट पड़ा है बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग पर, जो नॉर्मल मैं रूम के अंदर बीच में रख के रिकॉर्डिंग करता था, और अभी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो ये एक सही चीज़ है। बाकी मेरा पुराना MIDI कीबोर्ड जो कि है कार्बन 49, सैमसंग कार्बन 49, एंड मेरी मेलोडी का रखी हुई है वहाँ पे, एंड और विजिटिंग कार्ड, यस, एंड कुछ गत्ते, एंड क्लाइंट्स के लिए चेयर्स, स्टूल्स, एंड मेरा गिटार जो कि कोई कंपनी का नहीं है लेकिन इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, और लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की रेंज में ये काफ़ी अच्छा गिटार है, मैंने सुन के लिया है किसी शॉप से, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा गिटार है। सनबर्स्ट रेड इसका कलर है, और इससे मैंने भी कई सॉन्ग रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो अच्छा है। उसके बाद आते हैं हमारे PC पर, जो कि है i7 9th generation, और 8GB इसमें ग्राफिक्स हैं, 32GB रैम है। इसका डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। कूलेंट लगे हुए हैं, लिक्विड कूलर, एंड 4K मॉनिटर है, और बाकी सारी चीज़ें हैं, चमकते धमकते कलर्स वाले गियर्स हैं बाकी सारे, और ये माउस देखो, ये कीबोर्ड देखो, काफ़ी चमक धमक वाला है, एंड धमक वाला तो नहीं है, चमक वाला है। एंड मैं बैकअप के लिए अपनी हार्ड डिस्क, और जो भी प्रोड्यूसर लोग यूज़ करते हैं तो बैकअप के लिए आपको ज़रूरी है कि एक हार्ड डिस्क आप एक्सटर्नल रखें, जिसमें आप अपना सारा बैकअप रख सकें और रिकॉर्डिंग वगैरह उसमें डाल सकें, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब पटक सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पहले स्टार्टिंग में मेरे कई प्रोजेक्ट्स डिलीट हो जाते थे और मैं उनको रिकवर नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं होता था, तो ये चीज़ मैंने तब से सीखी जब मेरे 25 प्रोजेक्ट डिलीट हुए। एंड ये अगर आपको स्टार्ट करना है तो प्लीज़ आप 500GB का एक बैकअप के लिए अलग से हार्ड डिस्क रखें अपने स्टूडियो में, एंड SSD एक्सटर्नल मैं लगाने वाला हूँ इसमें, जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होंगे सारे और उसको रन करेंगे। बाकी ऐसा कुछ PC है, काफ़ी ख़तरनाक लुक है, और मॉनिटर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मॉनिटर है डेल कंपनी का, डेल 2718U, जो कि 4K मॉनिटर है 27 इंच का, और काफ़ी ख़तरनाक इसकी क्वालिटी है। तो इन कंप्यूटर के और इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी हैं, कितने की हैं, वो सब मैं अभी डालूंगा बहुत जल्दी। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। बाकी अभी मेरा स्टूडियो कुछ ऐसा है, अकोस्टिक ट्रीटमेंट कुछ मैंने ऐसा किया हुआ है अपने स्टूडियो के अंदर, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो लोग बोलते हैं कि इससे वास्तव में कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो रूम के अंदर आप एक बार खड़े होकर सुने अपनी आवाज़ को, जब आप बोलते हुए क्लैप करते हो, और अब सुने ये सब लगाने के बाद, तो मुझे काफ़ी फ़र्क इजीली पता चलता है, किसी को भी इजीली फ़र्क पता चल जाएगा, इतना सारा लगाने का कोई तो मतलब निकलेगा। बाकी ये पूरे एक साइंस से लगाए हैं, टेक्निक से लगाए हैं सारे, ऐसे ही रैंडम कहीं नहीं चिपका दिए, रिफ्लेक्शन पॉइंट्स निकाल के मिरर की हेल्प से तब ये लगाए गए हैं। और
डेफिनेट सी बात है कि फ्लोर पर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. अभी फ्लोर पर नहीं है, ये मेरी लिसनिंग पोजीशन. फ्लोर वगैरह पे भी ये सब लगा सकते हो आप, मतलब ये फोम सीट तो नहीं, कुछ एक फर्श वगैरह बिछा के और सोफ़े वगैरह रख करके आप इसको साउंड एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा अपने होम स्टूडियो के अंदर. बाकी कॉर्नर्स में बेस बिल्ड होता है तो बेस टेफ लगा रखे हैं मैंने, और ऐसा कुछ स्टूडियो पूरा दिखता है ओवरऑल. यह तो एंड लाइट बंद करने के बाद जो है माहौल कुछ ऐसा होता है स्टूडियो के अंदर. ये फ्लिकर इसकी वजह से हो रहा है फ्लिकिंग, बाकी ऐसा कुछ दिखता है स्टूडियो में. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. शायद आपको कुछ इसमें से समझ में आया, तो जो भी है आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें. थैंक यू वेरी मच, वन एंड ओनली आदित्य हेयर, एंड ये स्टे ट्यून्ड, सॉन्ग आने वाले हैं बहुत जल्दी. सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य. बाय 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 बाय.